आज हम लोग का टॉपिक है फारेनहाइट केल्विन सेल्सियस। फारेनहाइट केल्विन सेल्सियस होता क्या है, हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, डॉक्टर किस थर्मामीटर का प्रयोग करके कैसे हमें सेल्सियस में बताते हैं या कैसे फारेनहाइट में बताते हैं, हम कैसे इसको बदल सकते हैं, इन सारी बातों को केवल एक बार में समझ जाएंगे। केल्विन क्या होता है, केल्विन किसका ऐसा मात्रक होता है, सेल्सियस क्या होता है, इसमें कैसे माप कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, इन सब बातों का नॉलेज हम केवल 2 मिनट में समझेंगे। आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब करना। ओके, चलिए फारेनहाइट क्या, केल्विन क्या, सेल्सियस क्या। तो ताप, एक आता है ताप, ताप माने टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान कौन लोग का जो मापने का जो यंत्र होता है उसे केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन। यानी तापमान को जो हम लोग मापते हैं उसे केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन। इसका तापमान का ऐसा मात्रक भी केल्विन होता है। अब इसी का जो मेथड होता है, जो हम लोग का प्रचलित मेथड होता है, हम लोग जहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित जो मेथड अपनाते हैं सेल्सियस में अपनाते हैं, कि जैसे हम लोग गर्मी आता है तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 8 डिग्री होता है। नहीं, जैसे हम लोग का, जैसे आपका एक ज्ञान की बात समझिए, जैसे हम लोग को 0 डिग्री से अगर काम पे आ जाता है शरीर, तो उस समय हड्डियां जकड़ने लगता है, पूरा अंग अंग टूटने लगता है। अगर इसे ज्यादा 50 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाता है तो उस समय हमारा शरीर का जो मांसपेशियां यानी मांसकुलर है तो सब पिघलने लगता है, इतना हो जाता है। ऐसे ऐसे परिस्थिति आते हैं, तो ये सब हम लोग को जानना होगा कि 0 डिग्री क्या होता है, 50 डिग्री क्या, 100 डिग्री क्या, पानी कितना में खलता है, उसमें मेरा क्या हो सकता है, अगर पानी में कोई इंसान गिर जाता है गर्म पानी में तो उसमें क्या हो सकता है, ठंडा पानी में क्या रिएक्ट करेगा, इन सब बात को, कैसा पानी पीना चाहिए, कितना डिग्री का टेम्परेचर का पानी रहेगा तो अच्छा रहेगा और कितना डिग्री से कम रहेगा तो पानी खराब होता है, इन सब बात को, ये साइंस का और मैथ दोनों से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए अच्छा से इसको समझेंगे। तो केल्विन समझे, तापमान के ऐसा मात्रक होता है, इसे हम लोग केल्विन में मापते हैं। सेल्सियस सबसे प्रचलित मात्रक है, डॉक्टर लोग कहीं कहीं पे प्रयोगशाला में फारेनहाइट में मापते हैं, वैज्ञानिक लोग फारेनहाइट और केल्विन का प्रयोग करते हैं और सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं सेल्सियस का। तो इसको बदलते कैसे हैं, अब हम लोग का जो सबसे यूनिट मेथड है, हम लोग का मापते हैं सेल्सियस में, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना है, फारेनहाइट में कितना बदलना है, फारेनहाइट में, तो आप कैसे बदल लेंगे, तो उसके लिए आपको बच्चा वाला ट्रिक अपनाना है फारेनहाइट के लिए। किसके लिए, फारेनहाइट के लिए, सी गुना में 9/5 प्लस में 32 प्लस में 32, ऐसे करेंगे तो आपको फारेनहाइट में मिलेगा। फारेनहाइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो सी गुना में 9/5 प्लस में 32, तो सी के मान 0 है, 0 डिग्री, तो 0 गुना में 9/5 प्लस में यहाँ पे कर देना है 32। अब 9 गुना में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, अब बटा में 5 हो जाएगा, अब प्लस में 9, तो 0/5 यानी 0 हो गया, अब प्लस में 32 यानी कितना आ गया, तो 32 फारेनहाइट पे, फारेनहाइट में मान के तब्दील हो गया। तो इसका फार्मूला यही है बच्चा के लिए, आगे हम आपको बड़ा वाला फार्मूला बताएंगे। और केल्विन में बदलना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है केल्विन में, किसमें, केल्विन में बदलना है, केल्विन में चेंज करना है ना, तो केल्विन का जो मान होता है 273.15 प्लस में डिग्री टेम्परेचर, डिग्री टेम्परेचर जितना उसका सब मान होता है, यानी 273.15 में ऐड कर देना जितना आपका डिग्री आ रहेगा, तो डिग्री रहेगा 0, तो यहाँ पे 0 डिग्री को ऐड करेंगे तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो वहां पे हो जाएगा 273.15, ये हो गया टेम्परेचर केल्विन में, किसमें हो गया, केल्विन में, जिसको हम लोग मापते हैं केल्विन में। अब इसको मेथड कैसे, सूत्र क्या, कैसे हम इसको बना सकते हैं, इन सब बात के आते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे और उसके बाद इसको हम समझेंगे। फॉर्मूला इसका आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे सी बटा में 5 इक्वल टू एफ माइनस में 32 वाई में 9 याद रखेंगे इसको, और इक्वल टू में के वाई में 5 कर लीजिएगा 273 माइनस में 1.15 वाई में 5, ये होता है इसी का पूरा पोर्शन होता है। अब हम लेते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलेंगे 60 डिग्री को। अब हम लोग एक तो बच्चा वाला बताए थे, अभी बड़ा वाला समझ लीजिए, तो यहाँ पे करेंगे तो 60 सी के जगह पे बटा में 5 रख देंगे बराबर में एफ माइनस में 32 सवाई में 9, तो इसको काट देंगे 12 बचे के 60 यहाँ 12 इक्वल टू एफ माइनस में 32 सवाई में 9, तब इसके एक देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, एक गुना में 9 गुना में 12 करेंगे तो 12 टोटल से 108 हो गया, अब बराबर में एक गुना में एफ करेंगे तो यहाँ एफ माइनस में 32, अब कर देंगे 108 घटाव में त्रिपटी ऐड करेंगे तो 32 बराबर में एफ, इसको ऐड कर देंगे तो 140 बराबर एफ, यानी फारेनहाइट का मान कितना जाएगा 140 कितना जाएगा, तो 60 डिग्री में जो टेम्परेचर होगा 140 होगा, कितना होगा 140 फारेनहाइट, 140 फारेनहाइट। तो ऐसे हम लोग बदल लेंगे फारेनहाइट में, अगर इसको केल्विन में बदलना रहेगा, किस में बदलना रहेगा केल्विन में, तो केल्विन में आप कैसे ऐड करेंगे, तो केल्विन में आपको बताए थे हम कि केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 273.15 इसमें ऐड करना है डिग्री टेम्परेचर, डिग्री
टेम्परेचर। तो 273.15 इसमें कितना डिग्री हम बोले थे कि 60 डिग्री को बदलना, तो 60 को हम इसको ऐड कर लेंगे। तो 60 को जैसे ऐड करेंगे तो जोड़ आता होगा, तो जोड़िएगा तो 51 मेन संख्या, तो मेन संख्या ऐड होगा किसमें, इसमें। तो यहाँ पे 3 के 3 हो जाएगा, 7 6 13 3 बाकी आपने 1 और 2 1 3 यानी कितना आ जाएगा 233.15। ये हो गया केल्विन, क्या हो गया केल्विन। तो इसी तरीका से हम लोग केल्विन में बदलते हैं और फारेनहाइट में बदलते हैं। आप जानिए कि हम कितना पानी का टेम्परेचर होता है, कितना होना चाहिए। तो जब हम लोग पानी जो उबालते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर का होता है, 100 डिग्री कितना होता है 100 डिग्री, जबकि मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है। 37 डिग्री रहेगा तो आप ठीक रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। अगर इससे कम हो गया तो आपको ठंड महसूस होता है, अगर इससे ज्यादा होता है तो फीवर लग जाता है, बुखार लग जाता है। लेकिन हमको जब पानी पीते हैं ठंडा पानी, वो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ठंडा पानी पिएंगे तो इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बीमारी हो सकता है। जब भी पानी को होता है तो पानी को 10 मिनट उबालना चाहिए। साइंटिफिक मेथड कहता है, वैज्ञानिक तौर कहता है कि अगर पानी को 10 मिनट तक नहीं उबाला जाता है तो इसमें बैक्टीरिया रह जाता है। इसलिए पानी को जो भी पीना चाहिए तो उबाल के पीना चाहिए। अगर हम गर्म पानी को यानी खोलता हुआ पानी को अपने देह पर उछाल लेंगे तो जितना हम लोग को मास्कुलर है, मास्कुलर क्या होता है गल जाता है। आई होप आप लोग देखा भी होगा कि जैसे भी गर्म पानी गिरता है तो मास्कुलर गिर जाता है। तो 85 डिग्री को हम जैसे पार करते हैं, 50 डिग्री गर्मी हो जाता है, तब मास्कुलर यानी शरीर का जो हड्डी है सब धीरे धीरे, ये मांस धीरे धीरे गलने लगता है। और 0 डिग्री के पे हो जाता है तो सब जकड़ जाता है, जैसे जकड़ना माने टाइट हो जाता है। आप गर्मी के दिन में देखिएगा तो जो रेल पटरी होता है, रेल पटरी का ट्रैक देखा है ना, तो गर्मी के दिन में यहाँ पे रेल पटरी के बीच में ऐसे ऐसे ट्रैक में थोड़ा थोड़ा दूरी बन जाता है, जबकि जाड़ा के दिन में देखिएगा तो ट्रैक पूरा पूरा जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही ठंडा होता है तो ठंडा में कभी कभी जो है सिकुड़ जाता है, अगर आप पाके फैलता है। और एग्जाम्पल समझिए कैसे ये सब होता है। चाय देखे होंगे, चाय अब तो चाय कप में देख रखी है, तो चाय जैसे गर्म रहता है तो इसमें सरफेस टेंशन की वजह से फैला फैला रहता है, लेकिन जैसे ठंडा होता है तो इसका छाली रहता है सब आपस में सिकुड़ जाता है। जितना छाली रहता है सब इसमें आपस में सिकुड़ जाता है। तो ठंडा होकर कोई भी पदार्थ जकड़ता है और गर्म होकर फैलता है। तो अगर हम लोग ठंडा के संपर्क में जैसे जैसे आएंगे, 0 डिग्री के संपर्क में आएंगे तो जकड़ता है। तो पानी क्यों जमता है, पानी बर्फ के रूप में क्यों जम जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर के कारण ये जकड़ना शुरू करता है। यानी घनत्व में इसका जो होता है पानी का और बर्फ का, तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसकी वजह से बर्फ का होता है पानी पे आसानी से तैरने लगता है, नाचने लगता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि केल्विन कैसे बदलेंगे, फारेनहाइट कैसे बदलेंगे, सेल्सियस कैसे बदलेंगे।